मैंने शेख अपनी लाइफ एक्सपीरियंस किया है कि जो हराम शुरू होता है ना रिलेशन, ये शेख मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचता। 6 साल का रिलेशन, 9 साल का रिलेशन था, ये हो गया मैच्योरिटी। देखिए इसमें लड़कियों का मेरा ख्याल है नुकसान ज्यादा है, बहुत नुकसान। लड़कों के मजे हैं शायद, असल जो शेख अय्याशी लड़कों की है, बेड़ा गरक लड़कियों का हो रहा है। और भी लड़कियां कहती है कि सब मर्द ऐसे है, लेकिन आपने क्यों ऐसा मर्द चूज किया जो डायरेक्टली आपको अप्रोच कर रहा था? आपने कैसे चूज किया जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात का पुजारी था? ये जब वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो फिर किसी चीज का भी पाबंद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो किसी चीज का पाबंद नहीं। अगर वो इस्लाम का पाबंद होता तो आप से इस तरह फ्री ना होता, और अगर आपसे फ्री होके उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा है तो आपसे शादी के बाद भी 10 लड़कियों से फ्री हो सकता है। उसे कोई चीज रोकने वाली नहीं है। ये कौन सा कानून है जो उसको रोकेगा? ना कल्चर रोक सकता है उसको, और ना कोई हमारे कोई लॉ में कोई ऐसा कोई शिख है कि अगर कोई शादीशुदा आदमी किसी लड़की से फ्री हो रहा है तो उसकी ये सजा है।